हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हमारे आज के वीडियो को। तो मैंने आज यूट्यूब पर सुबह 7 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने आपको 3 स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दिए हुए थे। तो उसमें पहला स्टॉक था KNR कंस्ट्रक्शन, एंड इस स्टॉक की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग प्राइस के बराबर हुई है। ना तो ये स्टॉक बहुत ऊपर गया है और ना ही ये स्टॉक बहुत ही नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग 0.17% के आसपास हो गई है। एंड उसके अंदर हमारा दूसरा स्टॉक था बाटा इंडिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाटा इंडिया ने आज 6% के आसपास का मोमेंट दे दिया है। तो इस स्टॉक ने एक दिन के अंदर ही हमें 6% के आसपास का मूव कैप्चर करके दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन, एंड इस स्टॉक ने भी आज हमें 1.5% के ऊपर का प्रॉफिट दे दिया है। अगर आपने इसमें एंट्री बनाई होती तो यहाँ पर आपको 1.5% का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन के अंदर ही मिल जाता। तो चलते हमारे वीडियो की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टॉक है इंडियन बैंक, एंड इंडियन बैंक का हमने यहाँ पर डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये ऊपर का जो लेवल है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो प्राइस ने यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया हुआ है, और यहाँ पर प्राइस ने दूसरी बार रिजेक्शन लिया हुआ है, एंड जब प्राइस यहाँ पर तीसरी बार आई है तो यहाँ पर इसने आज इसको ब्रेकआउट कर दिया है। एंड आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है, एंड इस स्टॉक ने आज विथ वॉल्यूम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो आप यहाँ पर कल एंटर हो सकते हो, एंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 150 के लेवल पर हो जाएगा। एंड जब तक आपका प्रॉफिट 1:2 नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है। तो चलते हमारे अगले स्टॉक की ओर। तो यहाँ पर हम पहले स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक देखेंगे, एंड उसके बाद मैं आपको लास्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग के 2 स्टॉक देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्विंग ट्रेड है, उसका नाम है FSL, और FSL का हमने यहाँ पर डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी VCP पैटर्न बनी हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि VCP पैटर्न क्या होती है, तो वो कमेंट सेक्शन में VCP पैटर्न जरूर टाइप करें, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हमने एक रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर कर रही है। प्राइस यहाँ पर आकर बार बार रिजेक्शन ले रही है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्राइस ने पहली बार रिजेक्शन लिया हुआ है, और प्राइस यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन ले चुकी है, एंड वापस से प्राइस यहाँ पर आ चुकी है। तो जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तब हमको यहाँ पर एंटर हो जाना है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री प्राइस 214 के लेवल पर हो जाएगी। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 214 के लेवल पर एंटर हो जाना है, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 200 के लेवल पर हो जाएगा। एंड इसमें भी आपको 1:2 का प्रॉफिट ले लेना है, एंड उससे पहले आपको इसमें से एग्जिट नहीं करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। तो चलते हमारे अगले स्टॉक की ओर। तो यहाँ पर हमारा तीसरा स्टॉक है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी VCP पैटर्न बना हुआ है। आप यहाँ पर देखें तो प्राइस ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, एंड ये आज की कैंडल है। एंड यहाँ पर नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर कल आप इसमें एंटर हो सकते हैं, एंड यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस इस वाले स्विंग के नीचे रख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 450 के लेवल पर रख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए Nifty 50 का ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो यही थे आज के 3 स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक। तो अब मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 2 स्टॉक। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने 2 स्टॉक चूज करके रखे, जिसमें पहला स्टॉक है HDFC बैंक और हमारा दूसरा स्टॉक है वोल्टास। तो इन दोनों के अंदर आपको प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट पर काम करना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो सेटअप क्या है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही 2 वीडियो बना कर रखी है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सेटअप चेकआउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर इंट्राडे के लिए मैंने 2 स्टॉक दे दिए हैं, जिसमें पहला स्टॉक है HDFC बैंक और दूसरा स्टॉक है वोल्टास। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।